व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सिबलिंग्स रिएक्शन। सो सिन्फी आहन के एक और टीजर पे हम आज रिएक्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है प्रेजेंटिंग अनदर वुमन ऑफ स्टील सायरा यूसुफ एज आरजू डेनियल। सो आरजू डेनियल, सो इट्स मीन शी इज क्रिश्चियन, जितना लग रहा है सायरा यूसुफ सो के नाम से। हाँ बिल्कुल। सो देखते हैं, और ये लाहौर यूहानाबाद, अच्छा ये लोकेशन ने शो किया है। सो देखते हैं किस तरह है इनका टीजर किस तरह है। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। फिर से लेट। हाँ मसरूफ था ना वो, तुम्हारी तरह फौज की परवाह थी, अफसर बनना है ना तुम्हें। किस्मत बदलने के चक्कर में मैं 5 साल से पीछे फार हो रही हूँ मम्मी। सेल्फ एस्टीम मिट्टी हो गई है इस नॉरेज के पीछे। उम्मीद है कि हमारी बेटी सेलेक्ट हो जाएगी। मुझे अपने पैरों की नोक पे रखोगी। फौज में अफसर ही नहीं होती, हम बूट पहनते हैं और अपनी बूटों की नोक पे दुश्मन को रखते हैं। ओके सो यार ये काफ़ी यूनिक था और डिफरेंट था, बिकॉज क्रिश्चियन फैमिली से थी। सो इसमें एज अ मतलब रुकावट ही नहीं थी रिलीजन वाइज, मुझे जितना लग रहा है, और इवन फैमिली की तरफ से भी रुकावट नहीं थी क्योंकि बाप खुद उसको सपोर्ट। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था, या मुझे लगता है ये इसका फियांसे था, बिल्कुल यही सीन था। सो वो कह रहा था कि तुम मुझे अभी अपने जूते के नोक पे रखोगी, यही सीन था। और उसने काफी अच्छी बात की कि हम जूते के नोक पे दुश्मन को रखते हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी। यस, और इसमें अगर एक और बात है कि इसमें अगर कहना कि फौज में क्यों जाना चाहती है, तो स्टार्ट में दिखाया था कि इसने वो जो चेटते हैं ना लड़के, उनको मारा था। तो इसमें स्टार्ट से ये जज्बा था, और ये लग रहा है कि एक मतलब एक स्ट्रीट से आ रही है, क्योंकि जिस तरह लास्ट में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है ऑफिसर बन जाती है तो उसको सेलिब्रेट ऑफिसर सब, मेरे ख्याल में सब ऑफिसर की स्टोरी है बिल्कुल। सो ये वाला भी बहुत डिफरेंट, और सारे हमने जितने भी टीजर देखे हैं यार बहुत ही डिफरेंट है हर एक चीज बिल्कुल, और जिसमें मतलब हर एक में अलग अलग स्टोरी है। सो ये चीज काफी फिट होने वाली है। जब पीछे से ओएसटी मतलब लगती है तो फिर रॉन्ग टेकड़ हो जाते हैं, बहुत काफी अच्छी है। गूज बम जो देती है ना वही सीन है, और इसको तो किसी और ने भी गाया हुआ है ओएसटी पहले, मतलब तीसरी ओएसटी जो हम सुन रहे हैं, और ये काफी अच्छी एक पश्तो वाली थी और ये पता नहीं किसकी थी। सो गाइज दिस इज द टीजर, और उम्मीद है ये हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही होगी ये ड्रामा जब ये वाला पार्ट जब रिलीज होगा। सो दिस इज द वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें इस वीडियो को, और इस वीडियो पर कॉमेंट करें और हमें सजेशन भी दें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।